हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयशा है और मैं नव भारत टाइम से हूँ। शाम की इस चाय के साथ कुछ चटपटी हो जाए तो बड़ा मजा आ जाता है, और खास करके दोस्तों के साथ बैठो तो चाय के साथ कुछ चटपटा नाश्ता तो बहुत ही मन करता है। तो आज मैं आप लोग के लिए बनाने जा रही हूँ मजेदार छोले की चाट। छोला हम सब पसंद करते हैं और काफी ताकतवर भी होता है, बच्चे भी अक्सर खा लेते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं लजीज छोले की चाट। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं चटपटी छोले की चाट। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है चॉप किया हुआ एक कटोरी अनियन यानी प्याज, और यहाँ एक बड़ी कटोरी मैंने छोले बॉईल करके रखे हैं, इसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया था। एक कटोरी हमने टमाटर काट के ले लिया है। तीन बड़े चम्मच तेल लिए हैं, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच छोला मसाला, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पे है एक चम्मच चाट मसाला। तो हम नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पे है एक छोटा चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए आधा छोटा कप प्याज चॉप किया हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्चें लगभग एक चम्मच, और दो नींबू के टुकड़े, और फिर उसके ऊपर से डालेंगे हम ये आलू भुजिया। तो चलिए अब हम झटपट बनाना शुरू करते हैं छोले की चाट। अब सबसे पहले कढ़ाई में जाएगा तीन चम्मच तेल। हम तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम प्याज डाल के हल्का सा भूनेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपनी एक कटोरी प्याज डाल देंगे। ऐसे अच्छे से हम लाल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का गुलाबी होने तक। प्याज जब हल्का गुलाबी हो जाएगा तब हम इसमें अपना छोला और बाकी सारे मसाले डालेंगे। हमारा प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, हम आंच जरी सी धीमी कर देंगे और इसमें अपने बाकी पहले मसाले डालेंगे। तो ये मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, फिर मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, इसको चलाते रहेंगे नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना छोला मसाला। आप कोई भी छोला मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को थोड़ा अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी खुशबू पूरे प्याज में मिल जाए। अब इसमें डालेंगे हम ग्रेट किया हुआ अदरक और टमाटर, कटे हुए टमाटर। हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। छोले का जो पानी है वो हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे और इसको और अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी सी आंच तेज करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपना छोला डाल देंगे पानी के साथ, और इसे धीमे धीमे चलाते रहेंगे। जब छोला थोड़ा सा पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला ऊपर से। आप थोड़े बहुत छोलों को दबा के तोड़ भी दीजिए तो उससे ग्रेवी में स्वाद आ जाता है, पर याद रहे इसे हमें सूखा बनाना है क्योंकि ये चाट है। तो हम इसको मिक्स करते करते थोड़ा सा दबा देंगे, जो पूरा ग्रेवी है वो धीरे धीरे सूख जाएगा और सारा मसाला छोले के अंदर चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देते हैं हल्की आंच कर। करीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं। इसे तेज करके हम एक बार चला देंगे अच्छे से, और इसको थोड़ा सा सुखाएंगे। छोले में मसाले अच्छे से लग गए हैं, अब इसके ऊपर से हम डालेंगे चाट मसाला और इसे अच्छे से मिला देंगे, और तेज आंच पे रख के ही मिलाएंगे ताकि इसका जो बाकी पानी है वो भी सूख जाए। आप इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, या तो इस वक्त या फिर जब गार्निश कर रहे हैं तब आप डाल सकते हैं। गार्निश करने के लिए आपके पास पूरी छूट है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे उसे गार्निश कर सकते हैं। हम इसमें छोटे कटे हुए महीन कटे हुए खीरा भी डाल सकते हैं, इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, चीना बादाम जिसे पीनट्स बोलते हैं। तो चलिए हमारा छोला बनकर तैयार हो गया है और काफ़ी सूख भी गया है।
अब इसे बंद कर देते हैं और इसे परोसते हैं। चलिए अब इसको इस प्लेट में हम परोस लेते हैं। तो हमारे छोले की चाट तैयार हो गई। सबसे पहले डालेंगे कटे हुए प्याज ऊपर से, फिर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ही लें, आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालें और नहीं पसंद है तो ना डालें। नींबू के टुकड़े यहाँ रख देंगे और सबसे आखिर में डालेंगे आलू भुजिया। इससे इस चाट का स्वाद और बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपके छोले की चाट तैयार है, अब इस पे बस नींबू डाल के आप इसका आनंद उठाएं। तो ये रही आपकी छोले की चाट।